ध्यान रखना बच्चे, बैठ जाओ। भगवान की जो पत्नी थी आठ, देख के मुस्कानी है कि हमारे ठाकुर जी ने मित्र बहुत बढ़िया बनाया है। कन्हैया को दर्द हो रहा है कि ये मेरे मित्र को देख के हंस रही है। भगवान कृष्ण ने कह दिया आठ पटरानियों से भोजन बना के लाओ मेरे मित्र के लिए भोजन। अब ध्यान रखना, आठ चली गई पे भवन में, वो आठ थार जब परस के आए, ध्यान रखना कितने उच्च कोट के विद्वान थे सुदामा ब्राह्मण। कि वो आठ थार सामने आए तो विचार किया, किया कि एक के खा लू ओन के छोड़ दू तो जब बुराई माने। सो आठ थार लेके एक बड़ी बाई परात में सब पलट गए, पूरी सब्जी कटोरी में जितनी सब्जी हती दही बूरो राय तो सब मिल मगत, और सबको एक हाथ मिला के, और जो भोज अब सबको खबे को। भगवान की पत्नी बोली कि जैसे ही शरीर तिमलु को तैसे ही अकल तिमलु को लेकर का स्वाद छोड़ो। लेकिन सुनना परीक्षा क्या हुई, तो वो रुक्मणी ने पूछी है, आठ पटरानी पूछ रही है कि हमारे बनाए भाई भोजन में काउ नोन मिर्च कमी तो ना है। अब बताओ सबके थारे खट्टे है गए, तीन तरह की सब्जी, चौथो दही बूरा, पांचवो राय, तो जब सब खिट्टो है जाओ का मालूम पड़े कि कौन से मिटाना है। लेकिन धन्य सुदामा जैसे ब्राह्मण को तब कही है कि कन्हैया तुम ने घट जाओ तो मुझे स्वाद बता दें दो क्या। अरे कई सुदामा आंगन में और सुन लीजिए चितलाई है, बेटी है और कहा पूछ में आई है, और सबरी रानी महलों में का दिन स्वाद बताई है, और मेरा चटार दई हाथन के तू नोन डार है। रुक्मणी इधर देखो, रुक्मणी ध्यान करो, जिस समय तुम सब्जी बना रही थी तब तुमने और सब मसाले डाले लेकिन नमक डालो। रुक्मणी ने की भगवान नोन भूली गई मैं। ए बच्चा इतना उदम क्यों मचा रहे हो, ए बेटा तुम इंदो चलो ऐसे मत मारो बैठ जाओ। भगवान देख रहे थे पर विचार कर रही हैं कि थारी तो आठवीं खिंटी है गई, पर रुक्मणी एकदम भयभीत वहीं का मेरी सब्जी को नोन बताओ है। क्या अरे जामा पंत की तू ये टी है भोजन में कमी तो ना है। तुम सही बताओ, जिस समय रात को बना रही थी तो तुमने जीरो उडारो, नमक उडारो, मिर्च उडारी, पचम हींग डारी। जामवती बोली बहना हींग भूली है गई, ए शर्म के मारे भीतर चली। अब तब कही पटरानी शर्म के मारे भीतर चली गई, इतने योग्य ब्राह्मण थे सुदामा। तब कही रोके कन्हैया अब हम जाएंगे, जाओगे तो ठीक है भैया, मन करे ता दिन फिर डोल जाइयो, जाओ मन करे तो फिर डोल जाइयो। सुदामा जी लेकर के चले, सोची कि बिच्चू का भूल गए का
दरवाजे पे आ गए, कन्हैया हम जा रहे हैं। भैया जाओ का दिन मन करे ता दिन फिर डोल जाइयो। सुशीला तुमने बिना वजह भेजे जे ना देंगे कछु। इत दूध चल के आए पान में छाले पड़ गए। जो दरवाजे से बाहर आए कन्हैया जा रहे हैं, जाओ भैया फिर कागजन मन करे फिर डोल जाइयो। बच्चों ने बात बंद कर दो, ध्यान रखना उस समय जब सुदामा चले गए एक झोंपड़ी छोड़ गए थे अपनी सुदामापुरी में, तो जिस जगह झोंपड़ी बनी हुई थी वहां एक बहुत बड़ा आलीशान भवन बना हुआ है। सुदामा ने कही सुशीला बाउलंग कुछ मिलो नहीं और जालंग ठोर हुआ ले आवाज दई। और जो सुशीला आई हीरे जवाहरा सोने चांदी के तो गहने पे रही, और सुशीला ही तो पूछ रहे हैं कि यहाँ घर हम आओ तुमने कब सुशीला देखी है माई। सुशीला बोली चौका चिलंपी आए हो ये दीखना। ओ सुशीला के रूप को पहचान के सदामा के आंखन में आसा, अरे भैया मेरे मित्र कन्हैया इतना दे दो, इतना दे दिया जाके मुझे पता ही नहीं चलने दी। तो ध्यान रखना ये सुदामा ने सबसे पहले कहा था कि जिस समय ठाकुर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो पता नहीं चलने देता कहां होकर के लेता है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण के परिवार को दो श्राप लगे हुए थे। पहला श्राप दिया था गांधारी ने, दूसरा श्राप दिया था दुर्वासा महात्मा ने कि तुम्हारे वंश का नाश होगा, तुम्हारे वंश का नाश होगा। श्रोता बंधु एक बार भगवान कृष्ण अपने परिवार को लेकर के प्रवास क्षेत्र में गए हैं, मदरा का पान किया है, जब नशा में चूर हुए हैं उस समय आपस में तलवार बजी है। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पैर पर पैर रखे, पूरा परिवार आपस में लड़के मर रहा था। जरा नाम के बहेलिया ने भगवान कृष्ण के तरवा में बाण मारा खींच के, और जब बहेलिया ने हाथ जोड़े तब कही प्रभु क्षमा करना गलती हो गई। बहेलिया गलती कुछ नहीं है, आज बदला पूरा हुआ है। कब का क्या, जिस समय तू त्रेता युग में बाली थार मैं राम बन के आया था उस दिन धोखे से बाण मैंने मारा पीछे से छिपके, और आज छिपके ही मारा तेने ऐसा बराबर। तो विचार करना जब बदलो भगवान पे ना रहो तो हम तुम पे तो रहेगा क्या। श्रोता बंधु इधर अर्जुन को बुलवाया, अर्जुन से कहा इन गोपिकाओं को ले जाओ, आज के ठीक सातवें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। तो अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के चले हैं। तो उस समय राजस्थान में जो भीलभाड़ा स्थान पड़ता है यहां होकर के आए थे अर्जुन गोपिकाओं को लेकर के, लेकिन जब भीलों ने आक्रमण किया है गोपिकाओं की लूट हुई है, अर्जुन का कोई हथियार काम में नहीं आया। आया क्यों नहीं, कैसे सदारे दिन रहतन एक समाना, 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 सदारे दिन रहतन एक समाना। और एक दिन राजा हरिश्चंद्र के माया ही मेघ समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र के माया ही मेघ समाना, और एक दिन जाई पीछे काशी में माया ही मेघ समाना, और एक दिन चाय बिके काशी में मरघट के दरमियाना, सदा दिन रहतन एक, और एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, और एक दिन जब सिया चुराई
दिना राजा रावण के देवता बंदी खाना और एक दिना जब सिया चुराई मिटिगो नाम निशाना सनातन रहतन एक शमाना। एक दिना कुंती के अर्जुन ने जीता समर जहाना, एक दिना कुंती के अर्जुन ने जीता समर जहाना, और एक दिना जज मुट्ठी को पिता जीतो समर जहाना, और एक दिन आज लुटिए गोपिका बेई अर्जुन बेई बाना सदा दिन रहतन एक शमाना। और अंतिम कड़ी क्या है, एक दिन बरना चढ़े बालिकी घेरे लगी निशाना, एक दिन बरना चढ़े बालिकी घेरे लगी निशाना। देखो परीक्षित जी, एक दिन आज हमारे मोचन भाई प्रधान जी बैठे हैं, तो जब बरना बने होंगे कब दिन, एक दिन वो होगा कि जब बरना बने होंगे और हल्दी के लाल पीले चिपका लगे होंगे, एक दिन तो वो, और अब दिन कौन सा आ रहे हो, एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगी निशाना, एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगी निशाना, और एक दिन चिता जराई मरग दमी हुआ आजा गौलोक धाम चले गए। गौलोक धाम संसार के 14 भवनों की सब श्रुतियां बंद हो गई, यहां तक रहा कि जगत पिता ब्रह्मा भी नहीं देख पाए कि वो रूप कहां चला गया। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी ग्राम वासियों से अनुरोध है।